मोतीराम बाबू सखी सुल्तान को बोल दे छोटा निगाह तेरा बड़ा सुच्चे बाबी दरबार बोल समैया प्यारी सरकार को बोल को चरणा होया रोज नवाजा नू लैर आजो महाराज जगायो मामू सोया बंगले में जगायो मामू सोया बंगले मामू सोया बंगले में सोया बंगले में मामू सोया बंगले में महाराज रामू गुरु जी किस तरह रेल की पटरी पर बैठकर सेवा लगावा माई करने वाली जी रेल की व पटरी पा बाबा रामू वाले बैठा बैठा रामू बाबा बैठा छी महारानी नू मोटे मावा कर रहा बाबा याद बोलो सच्चे दरबार की जय जो रिश्ते मर चढ़ी वो भी जल्दी फतेह करूंगा ठीक है भाई जो बच्चे का वरदान जा देगा जाऊंगा लड़का ही होगा ठीक है भाई और राज्य का फिर लेना पड़ेगा लड़के का नाम रखना पड़ेगा पीर दिया पीर ने दिया बोलो लाल जी मंजूर ठीक है पूछो भाई दो भी चलो फल बोल जी बोल बोके बोल को अलख नरंजन सीताराम ले उठी मैं वारी जाने राम ला बाबा सीता ने युग कमाया मेरे राम के हाँ जिस दिन मैं बेटे जन्म होया तो मैं वारी काके एक काम करी पुत्र सात चौंक की दरबार दी पर पूछो काके घर में जोतल लगांगी बादे रखने पड़ांगे नितनेम से जोत जगानी है आए संडे कढ़ाई करनी है ठीक है भाई पहली चौंकी वो परिवार से ही था छह चौंकी पर कोई ना देगा ठीक है भाई पहली चौंकी परिवार से ही था ना काके जा जो रात जगह करवाया फर्क तो आज दे पड़ जाएगा बाकी पहली चौंकी पर आगा उसके बाद रिश्ते वाला काम भी और बच्चे वाला काम भी पड़ते चला जाएगा ठीक है भाई और बागड़ झंडा लेकर जाना ठीक है भाई काके एक जुलाई को भाई रैपे चौधरी का पैरा होगा मेला पर आगा बाबे के नाम का ठीक है भाई जब 5 किलो लड्डू लेगा आज ये बाबे रैपे चौधरी नो 1 जुलाई नो ठीक है भाई जा रहा है पूछ चौन पते करेगा बोल बोल क्यों मानेगा वो अलख नरंजन सीधा बल्ले की मेवारी चढ़ी रहा बाबा सीता ने लोग कमाया मेरी जा रहा है पूछ चौन पते करेगा देखो मत दोबारा में औखे बड़नो मारे कले जंगला नो लै मारे हाजरे आजो महाराज अपने घर के बारे में सवाल अपने परिवार के बारे में सवाल देवी का सवाल है एक मिनट भाई देवी के मंजे बाबा
सोरे बा जंतर और संदूर औखे बढ़नु बाबे काले काले जमना नु ले मानेगा राज रे आजो महाराज देवी ये सवाल देवी जिस टाइम घर बड़ा सामने दो कमरे ऐसी है देवी सामने सोरे की फोटो भी लग रही भाई देवी मंजे पर जिस टाइम पड़ा था भाई खाली मंजा वहां कागज की पुड़िया के अंदर जंतर और सिंदूर मिला था सच्चाई बोलियो क्या मिला था भाई मैली थी भाई और जंतर लिखा था भाई समझ गए भाई देवी जदो उठाया लड़के ने उठाया था भाई मैं उठाया था जी लड़के के हाथ में दिया और जैसे ही अपने पिताजी के हाथ में दिया सोरे के हाथ में उसी टाइम वही मौत बीमारों का मौत हो गई थी भाई जैसे हाथ में उठाया उनने खोलिया भाई उसी दिन मंजे पर लग गया था सच्चाई बोलिए भाई झूठ ना बोलिए मैं रामा चौधरी हूँ कभी हुई दबके में बोल दे बात यो मैं घर तक करेल दू समझ गया मैं ऐसा पीर हूँ समझ गया देन जाओ तो मैं लेने भी जाऊ बोलिए ना जी अखे बढ़ो जरा बेमान काले काले जंगला मुले महाराज जो महाराज गरम आसे बोलिए जिस टाइम जन्मे जाए अवतार बापा चौधरी देगा पिंजरा भगवान को कैद करने जा अठे ककड़ का पिंजरा ले बाबा चौधरी चल रहा देवी पैसे किसके उठे थे भाई एक बारी 200 एक बारी 500 इस तरह 200 500 देवी 10-10 के 3 नोट ले ली थी तो ले रही थी झूठ ना बोलिए है मत्था टिकड़ है नोट दो दिखा कार्ड दो एक है ना झूठ ना बोलिए मैं रामा चौधरी हूँ सुन ले जन्मे जाएगा अवतार मैं ऐसे चीज हूँ ना आगा आगा देवी देवते भी चला मैया भी चला ना जी जरा छेड़िए वहां से जिस टाइम चौधरी के पिंजरे नो गोरजा माई ने हाथ लगाया और ओपरी किस तरह करा गोरजा औखे वाले बढ़ के नीचा वा गोरजाल बैठी सुनहरी रंग का तोता ले बड़का सिर पा बैठ गया चौधरी बाबे तन गोरजा तेरी काली का चक्कर है मसानी का बंदा समझिए छोड़ी है बोल क्या अच्छा भाई इस टाइम चीज घर के अंदर ही है तेरे बाप नु लेगी तेरे पिता नु लेगी आगा बच्चे की बारी या घर के अंदर तो चीज वही है जो छोटी है जड़ नहीं कटी भाई लाद ले बोलो भी सेवादारो क्या अच्छा बोल देवी क्या अच्छा देवी 100 मीटर बहुत रंग का कपड़ा है पूछो रखो 100 मीटर बगुर रंग का कपड़ा ठहर रखना एक काले रंग की चुन्नी 5 काली चूड़ी ठहर रखनी बोलो रखेंगे देवी 111 रुपए गुग्गे पीर के नाम 5 रुपए दादा नरसिंह के नाम ठहर रखनी पूछो हाँ ना का जवाब दे इतना टाइम नहीं देवी घर में अमन कराना है पीर का राज्य का कराना है बोलो करावांगे देवी सात चौक की दरबार की बरनी है भाई अगर जान बचानी है अपने परिवार की तजर्बा है अगर 100 महीने के अंदर चमत्कार ना दिखा तो चौधरी बाबा रहा कहिए
और मां काली ना खाइए समझ गई तेरे घर तो चीज जी दिन रात जगह हो गया तुम्हें खुद दिखाई भी चीज अली घर ठीक है भाई चमत्कार को नमस्कार है भाई जो वचन दिए है वो करने पड़ेंगे भाई सात चौकी भरने पड़ेगी रात जगह करना पड़ेगा 1 जुलाई को बाबे रैपे चौधरी के नाम की ठीक है भाई 5 किलो सेब ठीक है भाई और 2 किलो लड्डू लेगा बोलो भाई मंजूर है भाई जुबान भरी है भाई जा मत्था टेक राज पूछो आन मिठे भाई खुशू में जा खीर खीर 2 सिगटा बड़ा कर लीजिए ठीक है घर से ठीक है भाई राज पूछो आन पते करागा तेरे घर के अंदर हफ्ते मर जल खा दूंगा टेक बाबे लहमान का जंगलों लहमान का तेल कारा महाराज सदके चलगी चौधर मेरे बादशाह चलगी चौधर मेरे जो देवी अपने घर के बारे में सवाल है जिस टाइम काली चीर का रूप बनावा 1 मिनट चीर के मंडेरे रखा और का की आवाज माता बाचन मिया मेरे चील का रूप दुर्गा ले काली माई बढ़ावा आज रे पीर के मंडेरे पावा बैठावा चूंदा ले रही है मदद देख देवी बैठी है भाई 2015 में उसकी टुम्मा उठी सच्चाई बोलियो भाई पूछो भाई यही बात है कद उठी भाई 2015 सच्चाई बोलियो भाई बोल ना जी चौधरी की पैड़ी जान छोटी करा मियां मेरे हाल ठेकावा ले खुंडा चौधरी ले बाबा चौधरी राणा देवी गर्म बीमारी का चक्कर भी चला था पूछो देवी छोटी उम्र में डेथ की स्ट्री थी वही थी भाई देवी खून के छींटे भी लगे थे देवी दुबो की सुनो पड़ा भाई पड़ा भाई कई बार डर भी लगा लगा भाई देवी जहां रहा भाई सामने की कमरे है तीसरा क्या बनाए रखा है देवी पुलिस केस किस पर पड़े दू देवी लड़की के चक्कर में कौन पड़े दू सच्चाई बोलिए छेड़ जरा पैड़ी जा छोटी नाथ जी मिया मेरे कुक्या वाला खुंडा चौधरी लठेका चल गया हे आज यो चौधर माल झूल दायो है गया झूंदाल रही मारो देवी किसी लेडी से बोल चालो इसी द्वार पीछे इधर गया संभाल बोल चालो परिवार में मैं देवी नाम तक बता दूंगा फोटो तक दिखा दूंगा पर मैं ये बताना नहीं चाहता क्योंकि समझ गया मैं चौधरी हूँ मैंने सब वही थी बात नहीं ये खेल वहीं से बिगड़ा समझ गया
जो टुम्मा उठी यहाँ सिस्टम बिगड़ा वहीं थे बोलो भाई क्या चाह बोलो भाई क्या चाह देवी ऐ तो करवाया गड़बड़ा सिस्टम करवा रखे समझ बोलो भाई क्या चाह देवी सात चौंकी दरबार की भर ली थी पूछो बोलो भाई ऐसा है मैं पीर हूँ चौधरी तजर्बा दिख दूंगा समझ गई अटुम्मा के बारे में सोच रही वो ही पता लग जाएगी कहा मैं कह रहा सात चौंकी दरबार की भरनी पड़ाई बोल भर दे भर देंगे देवी गर्मा अमन लाल जगह करवा लेंगे देवी अमन करवा लेगी करवा लेगी भाई जबान भरी है भाई ठीक है देख ले भाई मैं पीर ऐसा देने जान तो मैं लेने भी जाऊँ भाई ये बात ध्यान रखिए मैं तो मरे पे तो ले लूँ सूखना रानी खान ब्रोचन बनी छोटी सूखना बोलो भाई जल्दी बोल इतना टाइम ठीक है जी राम हो जाएगा दे देंगे जी आपको नहीं चौंकी तो भरनी पड़ेगी सात चौंकी दरबार की भरनी है ठीक है भाई दो सिगटा और खीर 1 जुलाई को लेकर आनी हुई ठीक है बाबे रह पे चौधरी के स्थान पर ठीक है अपनी जबान से तैना मुकरिए ठीक है जा चौहान राजपूत चौहान के बचना अगर काम फते ना करा चौधरी बाबा रह पाना कहिए ठीक है चल की चौधरे देवता माँ चल की जी चौधरे आजा महाराज तेरा ना हो गया आजा महाराज कले कले जंगला नो रैपे बब्बे माने काया जा आजा महाराज एक सेवादार है जो सेवादार अपने कारोबार के घर के बारे में मजदूरी करा वही बरकत नहीं अर काम ओंदे ओंदे बिगड़ जा उसका भाई सरदार नाथ जी जरा छेड़िए पैड़ी किस तरह चौधरी रह पा गोरजा माई पा उपरी करा सिरजी में डबरू जुआवा ओखे वाल बड़पा चौधरी काल पैराल हो रहा चौधरी का बहरा हो गया मेरे बाबा तनला कोर जा खले जी जंगला मा तुहारा जी है सेवादार बोल भाई यही सवाल है भाई मजदूरी करा भाई कारोबार में दिक्कत है री बरकत नहीं है भाई जो भी काम सोचा बनते बिगड़ जा भाई बोल भाई क्या चाह भाई सेवादार सात चौंकी दरबार की भर लेगा सिर्फ बोल भाई एक बार जाना पड़ेगा भाई बोल भाई भर लेगा महीने में एक चौंकी सिर्फ सात चौंकी भरनी हो कुछ नहीं करनी सवा ग्यारह बैठेगा पीर के नाम का बदला रख दिए ठीक है बाबे मेरा काम चल जा तेरे नाम की भंडार दे दूंगा 5 कन्ने जब तू ठीक है भाई सात चौंकी दरबार की भरनी है ठीक है भाई सेवादार 5 पीस लड्डू के सुन गया भाई 1 मिठा पान ठीक है भाई और खीर 2 सिगटा 1 जुलाई को लेकर आनी बाबे के स्थान पर भाई ठीक है भाई आवागे पूछो भाई चौधरी रैपे का स्थान बचना नहीं है समझ लो ठीक है भाई और चौंकी भरी है भाई सात दरबार जा राजपूत चौहान पते करेगा दूसरी चौंकी नाम लगना चालू चौधरे देवता माता चल की थी चौधरे आजा महाराज हो गया जमानो रैपे बाबे माने गया ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ।
बोलना भी चुप रहो भाई। मेरे नाम की कथा कहाँ कौन सी चल रही, कहाँ चल रही? मेरे नाम की जो सुनिए कथा कह रही। हाँ जी हाँ जी, ये बातचीत सेवा चल रही है जी। कहाँ कहाँ से रुकी थी बातचीत? ये रुकी है जी, अपना दादा अपना भोजन लेकर आई है जी। भोजन जमाया गुरु गोरखनाथ बाबा जी ने जी। हाँ भी समझ गया। चेले नु हाँ भी समझ गया। ठीक है बाबा जी, ठीक है बात भैया, ठीक है। चाहे ध्यान से सुन रहे कथा। हाँ जी, सेवादार बाबे की सेवा भी करा भी। हाँ जी, सेवादार सॉरी पढ़ा भी। हाँ जी पढ़ा भी। हाँ जी, सेवादार गुरु बनाया था भाई? नहीं जी, हाल ही में। क्यों नहीं बनाया भाई गुरु? क्या चक्कर? एक और पैदी सॉरी पग जी। मैं पग जी नहीं, इस टाइम मैं पग चौधरी बाबा। बाबा जी मैं भगत नहीं उस टाइम, चौधरी हूँ मैं। सवारी पड़ी थी आपने गुरुदार नगर का, इसको बख्शवाया क्यों नहीं? या तो चलो बख्शवा दो, अगर लैन माथ पाड़ा इनो चले लो, बाकी गुड़िया का चुराए में पैर आया कुआरेपन से। अच्छा, तब से सिर में दर्द रहता है, रिपोर्टें नॉर्मल है सारी। हाँ जी हाँ जी, सच्चाई बोलिए। हाँ जी हाँ जी, नॉर्मल। नाजी बोल चौधरी रे पे मतलब चल की चौधरे देवता माती चल की सी चौधरे आजा महाराज तेरे आया आजा महाराज काले काले जंगला नो रे पे बंबे माने काया आजा महाराज। सेवादार मेरे नाम की सेवा करके किस तरह भूल जाएगा मन्नो? हाँ भी बोलिया नहीं याद है जी भैया, तो उसको मेरी बात सुन, पगता ही करनी लोहे के चने चबाने हैं। हाँ जी हाँ जी, समझ गया। हाँ जी, मैं ऐसा भी हूँ पीर। हाँ जी, जल्ले भी कर दूं। हाँ जी हाँ जी, बोले भी कर दूं, घर ते बगे दूं। हाँ जी, सिर में दर्द भी कर दूं, घर नहीं बने दिन जा कई कई दिन। हाँ जी, जब पीर की ओपरी हो जल्ले बोले कर दे। हाँ जी, समझ गया। हाँ जी, तो इस पीर का अगर पगता ही माथ पाना तो हाथ पा गुरुदार नगर का, ठीक है जी। जो बख्शवानी तो गुरुदार नगर का मैं बख्शवा दे, ठीक है भाई। घर महाराज जगह कराएगा, चोड़ गुरु आएगा बख्शवा दे भी, भगता ही नहीं हो सकती। सिंपल दू बत्ती करूंगा, जाओ वहीं ते दर्द, इसका दर्द वहीं ते बंद कर दूंगा, ठह दूंगा दर्द। सात चौकी दरबार की बरनी है, बताएगा पूछो भी। बोल भाई, मैं पता टाइम नहीं है भाई, मैं चौधरी आया। अभी टाइम दो नाम की दो किलो जलेबी रेडी है अभी दरबार। बोल भाई, ए देवता मातरी चल गई थी चौधर आजा महाराज, हां तेरा आना हो गया आजा महाराज। काले काले माला एक देवी जो देवी अपने घर के बारे में सवाल, परिवार के बारे में सवाल, उसके घर में भी दिक्कत बहुत है, घर में बीमारी का चक्कर भी चल रहा भी ओपरा प्राइवेट। और देवी ने भाई किसी लेडीज पते 300 रुपए लेने हैं आज की डेट में। इवनॉन लेकर ठाऊ क्या? हाँ भाई देवी, कुछ घर के बारे में सवाल। एक मिनट, घर के बारे में सवाल बोलो भाई, घर के बारे में सवाल। 300 रुपए किस पते लेने आज की डेट में लेने है? सच्चाई बोलिए, झूठ ना बोलिए। चौधरी रह पाए रहा, समझ गया। अगर मेरे आगे जो बंदा मुकरेगा ना, नहीं महाराज मैं नहीं कर सकता, ये करूंगा। आराम भी जल्दी पड़ेगा जब मेरे दरबार में चल कर आऊंगी। डॉक्टर वैसा मर्जी फूक लियो, पैसा जो मर्जी फूक लियो, जबान चौधरी बाबे रह पेगी, समझ गया।
चलगी चौधरे देवता मां तेरी चलगी थी चौधरे आजा महाराजा तेरा आया हो गया आजा महाराजा महल काली चौधरी बाबे जोड़े माएगी आजा देवी छोटी उम्र में दर्द किस जा रहा सामने दो कमरे छोटी उम्र में साढ़े डैडी का भाई था जी हाँ फिर आज फिर बोलना अज काली के जोड़े में बोल दे रहे महल काली चौधरी बाबे तेरे जोड़े माएगी आजा महाराज तेरा देवी कई बार तो आप नाम लेकर आवाज लगा देवी सेवादार कई बार तो भी लगा छत पर कुछ चल रहे हो सेवादार कई बार तो भी लगा जो अंदर जखड़ के आगे देखा कोई नहीं चिराग भी जगावा पीर का भी जगावा था बंद कर कौन से पीर का जगावा था भी? मैं तो आई चार पीर का जगाई कर किसने जगवाया था भाई महाराज मैं तो शुरू ही दीवा करता तो मेरी बात सुनो बंद किसने करवाया है जी बंद किसने करवाया मत बुंदी ने बंद कराया है नाथ जी जरा बोलिए बाबे रह पे चौधरी के जोड़े मकाली को महल काली चौधरी बाबे तेरे जोड़े माएगी आजा महाराज तेरा हो गया आजा महाराज तेरे महाराज देवी एक बात कर जुआ सज्जी द्वार में त्रेड़ी पड़ रही भाई सज्जी द्वार में त्रेड़ी भी है रही है भाई देवी बाहर लकड़ का दरवाजा भी लगाया तो भाई पहला लकड़ का था भाई कुछ कमरे बगड़ से डूंगे भी थे भाई एक कोने में पेटी रखी थी पेटी का कुंडा टूटा पड़े थे भाई सच्ची बोलिए भाई बोल जी रह पे चौधरी जोड़े मकान गह दियो वड्याइया चौधरी तेरी गह दियो वड्याइया आजा महाराज तेरा सेवादार किसी बंदे ने बात बोली थी घर बर्बाद कर दू घर नहीं बस बोली थी भाई मैं नाम बताने की जरूरत नहीं पता तो ना जी नाम नु पता जी बोल ना जी काली के जोड़े में रह पे कुछ महल काली चौधरी बाबे जोड़े मैगी आजा महाराज तेरा ना हो गया काके पीर की सेवा करी जो जगाई बोल भाई महाराजा इतनी सेवा एक मिनट पीर की सेवा करी जो जगाई हां जी महाराज मेरी बात सुन एक मिनट तन्ने धरती पर गया निचा पड़ पड़ का सेवा लगाई महाराज एक मिनट बहुत सेवा करी गुरु बनाया कौन था गुरु मेरा सोमा भगत सोमा भगत सेवादार एक बात का जवाब दे गुरु ने गलती करी थी तन्ने गलती करी थी महाराज आ रही मैनू पता देखो जी मेरे ते गलती भी हो सकती गुरु ते भी हो सकती याद कर बात जिस टाइम चिराग बंद करी थी मत बुद्धि हुई थी लूफा क्या दिया था लूफा क्या दिया था मैं कोई लूफा जोत एक मिनट जोत लगवाई तेरे गुरु ने आसन मंत्र गुरु मंत्र खेड़े ख्वाजे का सार तक दिया दिया ख्वाजे का बेड़ा दिया बेड़ा कर दिया बेड़ा नहीं फेदा किस तरह का बेड़ा दिया जी बेड़ा नहीं मिठा बेड़ा की नहीं दिया तो? ना जी खेड़े ख्वाजे की सेवा करी करी तो सेवा के बाद ख्वाजे का बेड़ा क्यों दिया ख्वाजे का बेड़ा
जब ख्वाजा बुलाएंगे हिंद के राजा बुलाएंगे अजमेर की बस्ती में अजमेर की बस्ती में अजमेर की बस्ती में अजमेर की बस्ती में जब ख्वाजा बुलाएंगे सेवादार तेरा मन टूट गया था मानता बहुत टूट गया पीर बाबे तुम इतना मान रहा हां जी मानने के बाद भी हां जी और मेरे घर में दिक्कत है हां जी तदी जोत बंद करी हां जी सेवादार मेरी बात सुन नाथा का पैरा सुन के सानू देखे रही नाथा का पैरा हां काली दुर्गा जोड़े में चल रही है बोलिया बे चौधरी तेरा चल गई थी चौधर देवता मतरी चल गई थी चौधर आजा महाराज तेरा नाम हो गया आजा महाराज महल काली बख्शे भूल गया मुन्ना बहुत जरा काली का रथ महाकाली का चल कलकत्ते ते आया रथ महाकाली का चल कलकत्ते ते आया तुमने क्या दर्शन दिए तुमने बंदे माता ने मेरी बात सुन तन्नो दो दो दिन पहले की बात बता दूं छह दिन पहले हाँ भी तेरी गल होने वाला हाँ जी छह दिन और यो बताई दी बात भाई जा तन्नो तो खायो बंदा देगा हाँ जी है छह दिन पहले बात दस दी थी भाई और सरेआम दिखा दी हाँ जी भाई काली लोग हाँ भूल गया फिर महाराज हूं दो साल से मैं नहीं जगे अगर वार सेवादार है तो या तो इन बख्स वाले मैं काली हूँ मेरी बात सुन मैं अपने आई पे आएगी ना मंजे पर लगेगी खप्पर भर लूंगी मैं काली हूँ तैमन इना बरदान दे अब तैमन छे दिन के बात पहला दसी है मैं कह रहा बुताई भी है तुमने नंबर तक दिए सट्टे के और बोल ना एक मिनट तुमने नंबर बताएगा गई मैं किसी नु दिया नहीं फिर तुमने तुम नंबर बताएगा गई बताया तो गई ना फ्री बोत ने तो नंबर किसी ने दिया नहीं बोलिए काली माई नो जरा रथ महाकाली का चल कलकत्ते से आया रथ महाकाली का चल कलकत्ते से आया एक बात सुन सिस्टम घर के अंदर कार्रवाई क्यों हुई हाँ जी दसो देवी देवता का पैर नहीं रहा ना जी ना हूं नहीं रहा गद्दी बांध दी हाँ जी सुन गया हाँ जी ਗੱਦੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਸਖਸ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਏ ਵੈਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਤਾ ਕੀ ਚਾਹਾ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਬਦੇ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਖੋਲ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੜਾਗਾ ਬੈਠ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ एक काले रंग की चुन्नी पांच काली चूड़ी ठहर रखनी है एक काले रंग की चुन्नी पांच काली चूड़ी ठहर रखनी ठीक है जी रखा है भाई हाँ जी सवा मीटर बगर रंग का कपड़ा ठहर रखना भाई ठीक है जी ढाई मीटर नीले रंग की चद्दर ठहर रखनी पीर के नाम की भाई ठीक है जी ठीक है भाई हाँ जी और सेवा करनी पड़ेगी तो भगताई करनी पड़ेगी भाई अच्छा जी सुन गया भाई सात चौंक की दरबार की भरनी पड़ेगी पूछो भाई यमुनानगर में नमे अखबार सेवादार अगर काम सेट करवाना है हाँ जी तो लो काली दर्शन न देवा मैं आकर खुद दर्शन न दूं तो मनो महा काली न कह दिए भूत प्रेत कह दिए बात खत्म ठीक है जुबान हां जुबान की पक्की हूं मैं और चौधरी रहपा जोड़े में चला रहपा सुन ले मेरी बात गोरखनाथ जी जोड़े में चला सुन ले जो तुमने कह रही सात चौंक की दरबार की भरनी है मेरे नाम का दो समय बलेगा राज्य का वो जी छोड़ दे जब एक मिनट जो गद्दी खुलवानी है ना गद्दी खोलनी है मेरी बात सुन जिस दिन राज जगह होगा अमन होगा गद्दी खुलेगी ख्वाजेगा बेटा देना पड़ेगा भाई बोलो मंजूर हो भाई मंजूर जबान भरी है भाई जबान भरूंगा जी अर्जा एक काम करिए बाबे रैपे चौधरी के नाम के पांच लड्डू और दो सिगटा एक जुलाई नु ठीक है उस दिन रह पे चौधरी की पूरी सेवा पैरा होगा एक जुलाई नु ठीक है भाई ठीक है जी लेगा पहुंच जो दरबार में बस अच्छा जी समझ गए जानो नगर जी हाँ एक जुलाई नु
बाबे रैपे चौधरी का पैरा हुआ गुरु गोरखनाथ का। महाराज एक मेरे बच्चे मेरी बात सुन नाथ जी, जरा वो सुनिए बात। जद एक जुलाई में 41 दिन की खड़ी तपस्या लगाई थी और बागड़ दे रूपनाथ जी आए थे दरबार के अंदर। प्रिंस शर्मा जी ने खड़ी तपस्या वाल लगा ली, गोर खटिला गद्दी ते रूप नाथ बाबा आ गया। मेरे वीरो यो यमुना नगर गद्दी मायो है गे चौधरी वा बाबे की खड़ी तपस्या वा लगैली। मेरी बात सुन ले भाई, जिस शख्स ने गद्दी बांधी वहीं ते खिल बिगड़ाया। इन्हें बार बार तो कहना नहीं तुम ना जी ना। सुन ले निराली काली निशानी छोड़ दी, यही यही उल्ट कर रहेगा भाई जी गया या सीधमा थी समझ गया या मिठे बदी या गलत समान लूफा दे दिया इसका समझ गया। इस तरह कहते कलेजी दे दे बंदे ने सम्मान देगा भाई जी गया समझ गया। जो तुमने कह रहे अभी कर महाराज जगह करवा सात चौक की दरबार की बरनी 1 जुलाई को 5 लड्डू 2 सिगटा लेकर आनी खीर लेकर ठीक है। जिस दिन राज जगह होगा उस दिन गद्दी खुल जाएगी, खुलने के बाद तुम दर्शन देना मैं चालू कर दूंगी ठीक है। हफ्ते के अंदर खोजे में बैठे माता मन तो दुनिया के समझ जाएगी इतना पहले से खान पीना। फिर मेरी बात सुन, जो तुम्हें मैं बात कह रही हूँ वो करना पड़ेगा ठीक है। अगर तुम मंजूर कर दो मंजूर है पंचायत सुन रही है उसी तरह दर्शन दूंगी ठीक है। पहला मनु सात दिन पहला दर्शन दे देगा ठीक है। सात दिन पहला तरीके काम होना सात दिन पहला मनु दस देगा। मैं कह रहा महाकाली नाथ जी जरा सुनाइए जरा काली चील का रूप बनावा और चूचर पंजे खूह बन का मंडेरे बजेगा बैठा। चील का रूप काली ने बने बिलिया का इसका इलाज कौन करा देवी दारू कौन पिया देवी कई बार तो आपस में कई बार तो अलग होने तक की बात भी होगी देवी कई बार डिवोर्स तक की दिक्कत होगी आई है भाई देवी लड़का तो भाई लेडीज है जो इसके काबू में चल रहा है सिस्टम बिगाड़ रखा भाई जी साहब ने दिख रहा आने वाले टाइम में तो लगता खोज बोलो भी क्या चाह बोलो क्या चाह देवी सात चौक की दरबार की भरनी पड़ेगी पूछो भर सात चौक की दरबार की भरनी है बोलो भाई पर गए 100 मीटर भगवा रंग का कपड़ा रखना घर एक काले रंग की चुन्नी पास काली चूड़ी एक हरे रंग की चुन्नी पास हरी चूड़ी एक 5 मीटर खाके रंग की पानी घर में बाबा जी का अमन करवाना है बोलो करवाओगे भाई बोलो भाई अमन बारे भी
या हवन दरबार में करवा दियो बोलो भाई इतना टाइम नहीं देखो हाँ करवा देंगे तो हाँ करो नहीं करवा देंगे तो भाई पीछे जाके बैठ जाओ पैर में भैया है वो करा देंगे सात चौंक की दरबार की भरनी है ठीक है 1 जुलाई को ठीक है भाई महाकाली और चौधरी बाबे रैपे के नाम ठीक है भाई 1.25 किलो लड्डू भाई ठीक है भाई 2 सिगरेटा भाई और खीर चिटले खानी भाई 1 जुलाई को भी ठीक है भाई और उससे पहले चौंकी भरनी है ठीक है भाई चौंकी स्टार्ट कर दियो चौंकी भवन करा दियो पर एक बात ध्यान रखियो अगर आप मुकरे बीच में जामन आप भी फंसेंगे और वही फंसेंगे समझ गए मैं देन जाऊँ तो मैं लेने भी जाऊँ ध्यान जाओ राजपूत चौहान फतेह करेगा देखो ओके बड़े नो जी मान का काले जंगलान मान का केरल कारा महाराज जयब सुमैया नाथ जी ये संगत पूछो तो ले रही भाई इनको एक बात कह दो भाई नहीं फिर हम चला साधु चल दे भले नगरी बस्ती भली फिर नगरी हमारे पूछे रहेगी अगर पूछा ले रहे हैं तो इलाज कराना पड़ेगा समझ गया भाई मैं बाबा उस टाइम भगत नहीं हूँ समझ गया चौधरी रह पर महाकाली हूँ काम ना आया दुनिया देख रही है काम फतेह हुआ मेरी बात खत्म बोलो भी चला नाथ जी बोल दो एक बारी संगत को बोल दो हाँ जी सारी संगत ने विनती है भाई जो बाबा जी बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा भाई जल्द इलाज होगा एक देवी है जो देवी की टांग में दर्द मारा भाई एक टांग में सेवादार भगत उठा भगत रख मेरे भगत उठा नाथ जी जो बोल रहे मेरे भगत उठा बेटे इनको कह भी दे बात कृपा मेरी एक मिनट मैं हूँ चौहान का पागल ते सानू जी मान का दिल लकारा महाराज पागल पागल ललकार चौथे किंगरे नु मान दिल्ली गढ़ा चांदनी चौक नु मान गा किस तरह चौधरी सबल सिंह माइंड दा नड़ावा चांदनी चौक ते तेरा सज गया लटका राणी सज गया लटका जी किंगरे वाले करदा दिए ग्यारो कुछ नहीं है रे आ भी सेवादार डर किसने लगा भाई कई बार तो सुनते बड़े बड़े तो बोला भी है बोला भाई डर भी लगा भाई मतलब बोला सेवादार सज्जी टांग से चोट किसके लगी थी भाई लगी थी सेवादार जगह के ऊपर झगड़ा किसका होया भाई सेवादार जो भी काम सोचा बंदे बंदे बिगड़ जाओ सेवादार बाहर जाने की इच्छा किसकी थी की भाई सेवादार औलाद की प्रॉब्लम की सुनाई थी मेरे कोड़े बेटियां दो बेटियां लड़का नहीं दिक्कत तो आई है ना बड़ी सच्चाई बोल रहा हूँ बड़ी दिक्कत नाम जी जरा वहां से सुना माई थाना वाली का ताड़ा किस तरह बजा जरा तेरा बज गया ताड़ा आज माई तो जुलारी बागामा माई मेरी जुलारी बागामा तेरे लंबे लंबे लाडली
जुलारी माई मेरी। बाबा फरीद तेरे जोड़े माया, बाबा फरीद तेरे जोड़े माया, है तेरा सजगा जोड़ा माई तो जुलारी बाबा माई मेरी। बुढ़िया कई बार तो जिस टाइम बच्चे आ गए तनो औरत भी नजर आवा दी भाई, कई बार तो मैंने दिखा दी जिस तरह बच्चा देखा वापस ले ले भाई, और कई बार फल भी दिखा दे फल दिखे भाई। भाई गुड़िया का चुराए में पैर है, माइंडन में का चक्कर है नगरा भाई, मतलब है भाई नगरी चुराए में पैर है भाई। बोल भी सिवादार क्या चाह भाई, और या जड़ माँ भुगतरी कलो आके बच्चे भुगतांगे, या चीज नहीं गई भी तक जड़ कटी और नाली मदन है। बोलो भाई क्या चाह, जल्दी बोलो भाई ना जी, जरा सुना माई मदन किस तरह कृष्ण जी की जीप नहीं कड़ाई थी। ठीक है भाई, इसके हाथ से दवानी है, टांग बिल्कुल ठीक कर दूंगा। ठीक है भाई, पहली चौंकी में परिवार से टाणा, छह चौंकी में कोई भी आ सका, पर यो जरूर है करेगी देवी इसके हाथ से आज नहीं जाएगी। ठीक है भाई, एक घर में भाई वही दरबार में दरबार। ठीक है भाई, गद्दी एक घर में भाई 100 मीटर भोग रंग कपड़े ठहर रखना, माई मदन के रंग की चुन्नी पांच हरी चूड़िया, घर में एक मेरे नाम का अमन राज्य का करवाना। बोलो भाई मेरा पैरा करवाना है, बोलो भाई चौंकी लगवानी मेरी भी, बोलो भाई लगवाओगे भाई, जबान भर ही हो बड़ी भाई, मैं देन जान तो मैं लेट नहीं जाता सोचता ना भाई, फिर लेट ना करा। सुन क्या, 1 जुलाई नो बाबे रैपे चौधरी का पैरा हुआ, खड़ी तपस्या लगा। ठीक है भाई, बाबे के नाम के 2 केले 2 सेब रैपे चौधरी के नाम की, थोड़ी सी खीर 2 सिगरेटा और 5 लड्डू जो लेकर समान 1 जुलाई नो भी। ठीक है, और चौंकी भरनी है पहला भी। ठीक है, और उससे पहला पहला अगर हमारा राज जगह चौंकी लगवानी है भाई, जिस दिन अमन चौंकी लगी राज जगह हो गया उसी टाइम 100 माते 80% दर्द फैल जबान हा चौधरी बाबे की जबान नहीं कटने की, समझ गया अपने मुंह तो बोला कि मैं ठीक हूँ। बहुत समझिया भाई, बात सच्ची है और बोलो भाई, इसके ऊपर तजर्बा क्या दूंगा तुमने बताना चक्कर। ठीक है भाई, जो बोल लिया समैया से डेट लो भाई। ठीक है, कोशिश करो भी चौंकी तो पहला करवाए दे, पहली चौंकी आपकी वहां लग जा और मेरी चौंकी लगवा दो। ठीक है, राजपूत चौहान फतेह करेगा उसी दिन के बाद, ना किसी ने दबो पड़ेगा और ना माई जड़ कट जाएगी, आगा तेरे बच्चा भी करोपी नैड़गी, कलो चीज बच्चा पा आएगी ना मदनन फिर आएगी, कलो औलाद वास्ते भी परेशान हो जाएगा। मैं कह रहा मुख जाएगा तो बाबे के नाम की चौंकी लगवा जा रहा है, कुछ चार बते कर कटे बोल ना जी, बोल मोती राम बाबे को बोल जा, मोती राम बाबे नो जी मान का सत गुरुवानु ले मान सवाल है। एक बच्चा उसका बाहर गया है, एक बच्चा उसके उसके पास चले भी गए। डेयरी का सवाल है भाई, डंगरा में बाधा नहीं है भाई,
पूछो भाई यही सवाल है फिर भाई बोल रही उठा कि अंदर भाई नाम ले बैठा हूँ बाबे की परीक्षा ले रहे है बोल लो जी आया तेरा सौन दा चाला हो गया सी मैं बेकाला भूल गया नहाला राणे दा जा बकली भूल गया तेरी रात जगाना पीरा जी माफ करी भूल गया तेरी चौकी भरनी राणा जी माफ करी भूल गया तेरी रात जगाना दस गया मन भगत निहाला राणे दा जाप करी भूल गया तेरी रात जगाणी पीरा जी देवी डंगरा पता नहीं पूछो देवी सिंह किस देवी मैं संगीत मेरी दी बच्ची डंगर मरा देवी देवी जो भी काम सोचा बरकत नहीं है अबे दूध के अंदर बांधा नहीं है पूछो यही बात है देवी डर किसको लगा पता नहीं रब नहीं पता देवी डगरा के बारे में सवाल है देवी साथ चौंकी भर लगी दरबार की सिर्फ सात चौंकी भर ली बोलो भी लगी भाई जाओ भाई गद्दी से जल पड़वा लियो और आटे का पेड़ पड़वा लियो ठीक है भाई सात चौंकी दरबार की भरनी जा बरकत रहा टेक जी किस तरह कोलू भगत नो पीर मिला और डंगर चगा नो काले काले जंगला मा कोलू मैसा वा जगावा जगावा मैसा जगावा देवी दारू गोल पियो देवी दबो किस पी देवी कई बार तू पैर चाल भी नजर आवा छत कई बार पैर चाल नजर आवा छत पर कोई चल रहा है ऐसे कोई दर्जा खड़काया बाहर जाके देखा कोई बताओ ना भी बात देवी रिश्ते मर्चन किसके आई थी है भाई ना जी जरा छेड़िए कोल्लू भगत की बात भाई मैं सवाला मैं काराना वाजे लगावा लगावा वाजे लगावा ना जी जरा भजन सुना पीरा तेरी छड़िया पीरा जी तेरी छड़िया बाड़ी दे के खड़िया राणा जी तेरी छड़िया बाड़ी दे के खड़िया पत्थर रले ने बनाए लगी आग दे ने सारे तेरे रले ने बनाए लगी आग दे ने सारे पीरा जग भी उतारे बढ़िया पीरा जी तेरी छड़िया याद कर भाई पिछली बात छेड़ रहा उस टाइम कमरे थे ना कमरे नीचे देवी कच्चे थे
कड़िया पड़ी थी भाई, बिंगी टेडी सात कड़िया थी भाई, ऐसी है भाई देवी, कुछ दीवारा पर पलस्तर था कुछ दीवारा पलस्तर नहीं था, ऐसी था भाई देवी दो बो कि देवी इस टाइम तो रिश्ते में भी अड़चन है जी भी बीचो भाई, और कारोबारों की बरकत नहीं है भाई देवी, पुलिस केस किस पर पड़े थे भाई याद कर, मैं बताऊं किसके खिलाफ कंप्लेन करवाई थी, फिर बताओ ना, फिर मैं बात खोल लू सारी। देवी बोल क्या चाह भाई, देवी सात चौंक के दरबार की बरनी है, गर्मा पीर के नाम का अमन राज जगह करना, बोलो घुमा देंगे आया तेरा सुन दला हो गया सी मैं बेकला, बस गया मन भगत निहारा रहने दा राज करी, खुल गया तेरी राज जगारे पीरा दिमाग करी, खुल गया तेरी चमकी बरनी बाबे रहते चौधरी खीर दो सिगटा पांच मिनट चौंकी और भगत क्या हाथ डाल दो तेरी लाज घड़ा